मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल। आप सभी दर्शकों को निधि जा का प्रणाम है, नमस्कार है। बात करें काले की, जिसके सेट में क्या कहना है, किस तरह से फिल्म बन रही है और क्या इसमें आप रोल प्ले कर रही हैं? कालिक टाइटल ही बहुत ज़्यादा दमदार है। इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री मैं हूँ। एक ये विमेन सेंट्रिकल फिल्म है, विमेन ओरिएंटेड फिल्म है और रेप एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है हमारे देश के लिए। रेप कहने के लिए सिर्फ चार वर्ड है, बट उस दर्द से ना आप समझ सकते हैं, ना मैं गुजरी हूँ, ना आप गुजरे हैं। वो दर्द आप नहीं समझ सकते, वो दर्द सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो उस चीज़ से गुजरे हुए हैं। तो हम इस फिल्म के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं सोशल मैसेज देने की कि जो परिवार जिनके घर ये घटना हो चुका है, वो परिवार इस समाज के डर से आगे नहीं बढ़ता है, अपनी बेटी को रोक करके रखता है, अपनी बेटी को आगे वो उनका सपना पूरा नहीं होने देता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं इस फिल्म के ज़रिए एक सोशल मैसेज देने के लिए, एक मैसेज, एक अच्छा मुद्दा उठाए हैं और एक अच्छा मैसेज देने के लिए। फिल्म के डायरेक्टर की बात की जाए, रंजीत जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। खुशी होती है कि उनको जब मैंने पहली बार देखा तो एज ए चीफ असिस्टेंट देखा था, आज जो डायरेक्टर बन गए हैं एंड वो बहुत क्लियर हैं, बहुत उनका माइंडसेट क्लियर है। तो मैं उनको बस बधाइयाँ देंगी कि वो बैक टू बैक अच्छी से अच्छी फिल्में दें और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को अच्छी से अच्छी कॉन्सेप्ट देते रहे। प्रोड्यूसर की बस यही बात करूंगी कि यूजुअली लोग हीरो पे दाव खेलते, उन्होंने हीरोइन पे दाव खेला है और एक बहुत अच्छे मुद्दे पर। तो बस अगर चीज़ें अच्छी होती है तो कोई उसे रोक नहीं सकता है एंड मैं उन्हें भी यही कहूंगी कि आगे भी अच्छी से अच्छी फिल्में बनाइए ताकि हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ हीरो बेस्ड फिल्में ना मिले, हीरोइन बेस्ड भी मिले, एक कॉन्सेप्ट मिले, एक क्रिएशन मिले। तो मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगी एंड यही बोलूँगी कि आगे भी ऐसे एक्टर्स को काम देते रहिए। आपकी बात की जाए जैसे कि ढेर सारी फिल्में आपकी आई जिसमें आप महिला प्रधान फिल्में रही, आपकी दमंगई भी दिखी जी। अच्छा लगता है कि हमेशा कुछ नया करने का मिलता है। जैसे कि आप लोगों ने मुझे एज एन गैंगस्टर एक्सेप्ट किया, एज एन स्वीट गर्ल एक्सेप्ट किया, तो इस किरदार में आप मुझे एक ऐसे किरदार में देखेंगे कि इंटरवल से पहले इंटरवल के बाद कैसा किरदार है। और मैंने कोशिश की है कि उस किरदार को अपनी तरफ से पूरा निभाने की और बस फिंगर क्रॉस है कि जब भी फिल्म आएगी आप सब देखेंगे और उस किरदार से कनेक्ट करेंगे। और अगर आप लोग कनेक्ट कर गए, मेरे लिए यही सबसे बड़ा अवार्ड है। इसमें ढेर सारे जो है टॉप के जो दिग्गज कलाकार हैं वो सपोर्टिंग रोल में आपके साथ नजर आए जी। बहुत ही अच्छा लगा। कुणाल जी हैं, देव जी हैं, मनोज टाइगर जी हैं, लाडो जी हैं, राज जी हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, सबका एक अच्छा सपोर्ट है, सबका अपना एक अच्छा कैरेक्टर है। और जैसा कि मैंने आपको कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मुद्दे से, हमारे कॉन्सेप्ट से हम बिल्कुल भी ना भटके। तो सबका अपना अपना एक किरदार है और मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती हूँ, वो तभी जब आपके थिएटर्स पे, आपके टीवी पर आएगा, आप लोग देखेंगे और हम सबको खूब सारा प्यार देंगे। कालिक एक अलग नाम है जी, भोजपुरी के लिए भी क्या कहना चाहेंगे? मैंने पहले ही जैसे बताया कि कालिक ये टाइटल से ही लोग थोड़े से कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या कालिक पोतना या क्या है। तो हमने ये अलग मुद्दा उठाया है बिकॉज रेप बहुत बड़ा मैसेज है, रेप बहुत बड़ा एक सोशल वर्ड भी है। तो कालिक के बारे में बस यही कहना चाहूँगी कि हम कुछ नया कर रहे हैं और आप लोग खूब सारा बस प्यार देते रहिए। और नया में क्या क्या नई फिल्मों में, मेरी आने वाली फिल्मों में है, शंकर है, लेट्स आएंगे, बुलेट से आएंगे, प्रीतिया के डोर, लाडो, अर्धनारी, ये फिल्म कालिक, रेस, ये बैक टू बैक फिल्में हैं जो बस बैक टू बैक आ रही है। आप लोग मेरी फिल्म को खूब सारा प्यार देते हैं, आप दे रहे हैं और यही गुजारिश है, यही निवेदन है कि आप लोग जितनी फिल्में आई हमारी या और भी एक्टर्स की, आप लोग खूब सारा प्यार दीजिए। सिनेमा हॉल खुल चुका है, ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि फाइनली 2 साल के बाद सिनेमा हॉल खुला है। तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ जाइए, फिल्मों को देखिए, बिकॉज एक फिल्म बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो यूट्यूब का वेट मत कीजिए, बिकॉज प्रोड्यूसर को बहुत कलेजा लगता है एक फिल्म बनाने के लिए। तो वो तभी सफल होगा जब आप लोग थिएटर्स जाएंगे और फिल्म को देखें और देन उसके बाद रिव्यू भी दीजिएगा ताकि हम कुछ वापस नया करने की कोशिश करें, अगर वहाँ गलती हुई तो यहाँ सुधारने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।